लोहगढ़ किला महाराष्ट्र के बहुत से पहाड़ी किलों में से एक है। यह पहाड़ी इलाके लोनावाला के पास और पुणे के उत्तरी भाग में 52 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। लोहगढ़ किला समुद्री सतह से तकरीबन 233 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। यह किला अपने पड़ोसी वीसापुर किले से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर समय यह किला मराठा साम्राज्य के पास ही रहा है, बल्कि केवल 5 वर्षों तक ही यह किला मुगलों के पास रहा था। सब्सक्राइब करने के साथ ही इस घंटे पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आप देख पाओ हमारे वीडियो सबसे पहले। पहाड़ी किलों में से एक लोहगढ़ किले का इतिहास। लोहगढ़ का इतिहास काफी गहरा है। अलग अलग समय में अलग अलग साम्राज्यों ने इस पर राज किया, जिसमें मुख्य रूप से सातवाहन, राष्ट्रकूट, यादव, चालुक्य, निजाम, बहमिंस, मुगल और मराठा शामिल है। 1648 में शिवाजी महाराज ने इसे अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन 1665 में पुरंदर के संधि के चलते शिवाजी महाराज को यह किला मुगल साम्राज्य को सौंपना पड़ा। शिवाजी महाराज ने 1670 में इस किले को पुनः मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था, और इस किले का उपयोग वे अपने खजाने को रखने के लिए करते थे। इस किले का उपयोग मराठा साम्राज्य में सूरत से लूटे हुए माल को रखने के लिए किया जाता था। बाद में पेशवा के समय में नाना फडणवीस ने कुछ समय इसका उपयोग रहने के लिए किया, और किले के अंदर विशाल टैंक और सीढ़ियों का निर्माण भी करवाया। वर्तमान में इस किले को भारत सरकार संरक्षित कर रही है। लोहगढ़ किले के आसपास के आकर्षण स्थल। लोनावाला 20 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध और सुंदर पहाड़ी इलाका। आमी घाटी शहर लोनावाला से 22 किलोमीटर दूर। कारला गुफाएं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।